नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष बुधवार नौमी तिथि लगी रहेगी। सद्विषा नक्षत्र आज दिन भर लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, अस्पष्ट बोलने वाले, स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। ये अपने अनुसार काम करने वाले, दृढ़ निश्चयी, तकनीकी तथा वैज्ञानिक कार्यों में रुचि रखने वाले, कला और सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। ऐसे जातक राजनीति में प्रवीण, उग्र मनोवृत्ति वाले, छिद्रान्वेषी और उच्च महत्वाकांक्षी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, राहु और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज कुंभ राशि में ही चलते रहेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में सुधार होगा, निजी संबंध सुदृढ़ होंगे और कार्य क्षेत्र की सक्रियता पहले से बढ़ी रहेगी। चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, अतः विचारों में भ्रमात्मक स्थिति का उतार चढ़ाव संभावित है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता और पारिवारिक तालमेल में कमी भी हो सकती है और कार्य योजनाओं के निर्णय में अचानक फेरबदल हो सकता है, मगर आय संबंधी मामलों में सहयोग बना रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ और संतान पक्ष से निश्चिंतता महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मन मुताबिक रहेगा। नवीन रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी और वैवाहिक मामलों में सफलता का संकेत मिलता है। वृष राशि के जातकों के लिए कार्य योजनाओं के प्रति सुदृढ़ व्यवस्था बनाने, उसमें सुधार और विस्तार की मानसिकता बनी रहेगी। राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य के प्रति संजीदगी बढ़ी रहेगी। कार्य योजनाओं में नया फैसला लेना आज के लिए उचित नहीं होगा, मगर कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे। पारिवारिक संबंधों में मधुरता और पिता के प्रति नज़दीकी का संकेत मिलता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी होगा। संतान संबंधी मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में व्यस्तता बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के उद्देश्यों की पूर्ति में आ रही रुकावटें खत्म होंगी, मगर साझेदारी के कामों में बाधा और कार्य योजनाओं के विकास में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। साथ ही साथ रचनात्मक कार्यों में बुद्धि कौशल के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर लाभ की स्थिति संतोषजनक होगी। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। बच्चों के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और पारिवारिक माहौल संतुलित रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए दैनिक जीवन की अनियमितता और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। अनचाही यात्राओं का योग भी संभावित है। हालांकि भाग्यवश सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता का उद्देश्य पूरा होगा। साझेदारी में भी सफलता और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में अष्टम भाव में चल रहे हैं। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का दायित्व न चाहते हुए भी उठाना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन परिश्रम वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देगा। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, मगर साझेदारी के मामलों में सावधानी अपेक्षित है। निजी संबंधों और भावनात्मक रिश्तों में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र के प्रति विकास और रचनात्मक पहल करने के उद्देश्य में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी विशेष तौर से रखनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। जटिलताएं संभावित हैं। निजी सुख संतुष्टि में कमी महसूस होगी और मां के स्वास्थ्य संबंधी चिंता लगी रहेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में सुधार होगा। नई कार्य योजनाओं और व्यावसायिक उत्थान के उद्देश्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। अध्ययन अध्यापन में निरंतरता बनाए रखें और साझेदारी के कामों में लाभ की संभावना बनती है। तुला राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी।
सार्थक पहल में कमी आएगी और निजी संबंधों के सुधार के प्रति मानसिकता बनी रहेगी। चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने की वजह से उपर्युक्त विषयों से संबंधित मामलों में उतार चढ़ाव की संभावना बनती है, मगर बृहस्पति और शुक्र का सहयोग आपके हर कमी को पूरा करने के लिए सक्षम होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति आपके मेहनत और प्रयासों के ऊपर निर्भर करेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत का संकेत मिलता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सुचारू ढंग से चलते हुए कामों में रुकावट का अंदेशा बनता है। अनावश्यक मानसिक चिंता और शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार के प्रति आज का दिन केंद्रित रहेगा। विभागीय कार्यों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, हालांकि पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि का संकेत मिलता है। चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने से मानसिक भ्रम और दुश्चिंताओं का दौर चलता रहेगा, मगर शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और विद्यार्थियों के लिए आज का भी दिन सामान्य रहेगा, प्रयास जारी रखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में भरपूर प्रयास के प्रति मानसिकता बनी रहेगी। अपने अतिरिक्त ऊर्जा को सही दिशा में निवेशित करने के साथ ही साथ काम करने में प्रभावित हुई अभिरुचियों को सही दिशा में निवेशित करने की भावना विकसित होगी। हालांकि कार्य क्षेत्र के प्रति आपका दृढ़ विश्वास बना रहेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति बरकरार रहेगी। आज के लिए आपका प्रयास लगभग हर मामले में सफलता दिलाएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर अपने अभ्यास की निरंतरता बनाए रखें। मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार और विकास में रुचि बढ़ेगी और घर गृहस्थी पर खर्च और अपव्यय का संकेत मिलता है। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और नई कार्ययोजनाओं के लिए विभागीय सहयोग बना रहेगा। आपके प्रयासों में शासन सत्ता का सहयोग भी बरकरार रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। आर्थिक लाभ के नए मार्गों का सृजन, साथ ही साथ कार्य व्यवसाय को सुचारू ढंग से चलाते रहने की मानसिकता बनी रहेगी। हालांकि विभागीय अधिकारियों का सहयोग आपकी भ्रमात्मक स्थिति को दूर करने में सहायक होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में रुकावट या वाद विवाद की संभावना बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला होगा, मगर सफलता मिल सकती है, प्रयास जारी रखें। मीन राशि के जातकों के लिए अनावश्यक खर्च की स्थिति बनी रहेगी। निजी निवेश संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। कार्य योजनाओं के रुकावट को दूर करने की पहल जारी रहेगी। चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने से महत्वपूर्ण निर्णय आज के लिए स्थगित कर देना चाहिए। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में संघर्ष की स्थिति संभावित है और संतान संबंधी मामलों में अनावश्यक यात्रा का संकेत मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।